वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे खुशबू और जायके में एक ज़बरदस्त रेसिपी, चिकन निहारी। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम निहारी का मसाला पीस लेते हैं, जिसमें एक टेबलस्पून सूखा धनिया, एक टेबलस्पून सौंफ, एक टीस्पून ज़ीरा, दो काली इलायची, चार हरी इलायची, एक जावित्री, दो छोटे टुकड़े दालचीनी, एक छोटा टुकड़ा जायफल, एक टीस्पून काली मिर्च, पाँच छः लौंग और एक तेज़पत्ता। तो सबसे पहले हम इन मसालों को पीस लेंगे। तो इस तरह से पीस के हम इसका पाउडर बना लेंगे, साइड में निकालेंगे। यहाँ पे हमने एक कप ऑयल लिया हुआ है, गैस की फ्लेम को ऑन करेंगे। ऑयल गर्म होने पर इसमें हम दो मीडियम साइज़ के प्याज को इस तरह से चॉप करके फ्राई करके निकालेंगे। तो प्याज को इस तरह से फ्राई करने के बाद इसे निकाल लेंगे और इसका हम पेस्ट बना लेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करके इस तरह से हम पेस्ट बना लेंगे। अब हमने एक कप ऑयल लिया था, उसी ऑयल में हम एक किलो चिकन ऐड करेंगे। यहाँ पे हमने एक किलो चिकन लिया हुआ है, इसे ऐड करेंगे और चिकन को हाई फ्लेम पे कलर चेंज होने तक अच्छी तरह से भून लेंगे। तो यहाँ पे हमारे चिकन का कलर चेंज हो चुका है। आप इसमें दो टेबलस्पून अदरक लहसुन पेस्ट ऐड करेंगे और इसे भून लेंगे दो से तीन मिनट्स। इसके बाद में पिसा हुआ निहारी का मसाला ऐड करेंगे, साथ ही इसमें ऐड करेंगे दो टेबलस्पून रेड चिल्ली पाउडर और 1.5 टीस्पून नमक, नमक टेस्ट के हिसाब से लें। अब इसे हम स्लो फ्लेम पे 4 से 5 मिनट अच्छे से भून लेंगे। तो चिकन को मसाले के साथ भूनने के बाद बिरिस्ते का पेस्ट जो कि बना के रखा हुआ था वो ऐड करेंगे और फिर से हम स्लो फ्लेम पे 1 से 2 मिनट अच्छे से भून लेंगे। तो इस तरह से भून लेने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे पानी। तो यहाँ पे हमने 1.25 लीटर पानी ऐड किया हुआ है। तो इस तरह से पानी ऐड करने के बाद एक बार फिर से मिक्स करेंगे और स्लो और मीडियम के बीच में कवर करके इसे 25 से 30 मिनट पकने के लिए रखेंगे। तो निहारी हमारी पक रही है, तब तक हम इसका आटा तैयार करते हैं। तो यहाँ पे हमने 1/4 कप गेहूं का आटा लिया हुआ है, इसे स्लो फ्लेम पे भून लेंगे हल्की खुशबू आने तक। इसे जलाना नहीं है, बस थोड़ा सा हल्का सा कलर चेंज होने तक हम इसे भून लेंगे। अब इसे निकाल लेंगे और साइड में रखेंगे। तो यहाँ पे निहारी को पकते हुए हमारे 1/2 घंटा हो चुका है। तो इस तरह से चिकन हमारा पक चुका है। तो इस तरह से ग्रेवी रखेंगे, अगर ग्रेवी ज़्यादा चाहिए तो इस स्टेज पे थोड़ा सा पानी और ऐड कर सकते हैं। अब हमने जो आटा भून के रखा हुआ था गेहूं का, उसमें हम पानी ऐड करेंगे और इसका पेस्ट बना लेंगे। तो इस तरह से 1.5 गिलास पानी ऐड करके हमने इसका अच्छे से पेस्ट बना लिया। अब यहाँ पे हम गैस की फ्लेम को ऑफ करेंगे, 4 से 5 मिनट इसी तरह से रखेंगे ताकि तरी ऊपर आए। तो इस तरह से गैस की फ्लेम को ऑफ करने के बाद सालन पे से तरी हमारी अच्छी तरह से निकल चुकी है। अब फिर से गैस की फ्लेम को हम ऑन करेंगे। अब इसमें हम आटे का पेस्ट जो कि तैयार करके रखा हुआ था इस तरह से थोड़ा थोड़ा ऐड करते हुए हिलाते हुए मिक्स करते जाएंगे। तो इस तरह से मिक्स करेंगे। तो देखिए निहारी हमारी अच्छे से ठीक हो चुकी है, बस इसी तरह से थिकनेस हमें चाहिए थी। अब कवर करके स्लो फ्लेम पे 5-6 मिनट और पका लेंगे ताकि आटा भी पक जाए। तो इस तरह से सायके में भी ज़बरदस्त और खुशबू में भी ज़बरदस्त निहारी हमारी रेडी हो चुकी है। अब गैस की फ्लेम को हम ऑफ करेंगे। आप इसे इस तरह से सर्व करेंगे, निहारी ऐड करेंगे और ऊपर से जो तरी हमने निकाली हुई थी ऊपर से ऐड करेंगे। थोड़े से अदरक को इस तरह से काट के रख देंगे
और थोड़ी सी हरी मिर्च, थोड़ा सा पुदीना हमने डाल दिया और लेमन के साथ सर्व करेंगे। तो ज़बरदस्त निहारी हमारी रेडी हो चुकी है। रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।